मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल पहली बार रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस की जीत के लिए इस रोड शो के जरिए जनता को धन्यवाद कर रहे हैं। दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता आदित्य नामदेव ने। मंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। सर, मंत्रिमंडल कब तक? मंत्रिमंडल तो कल होगा, कल पुलिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल महोदय ने सम्मति दे दी है और कल 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। सर, ये इतना असमंजस पहली बार है, लोग ये भी नहीं वो कर पा रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, लगातार इतना असमंजस क्यों इस बार? ऐसा तो नहीं है, मंत्रिमंडल के नामों की गोपनीयता रखी जाती है और जब जिसका नाम होता है उसके यहाँ गाड़ी पहुँचती है, वो आते हैं, शपथ विधि लेते हैं। पाटन का विधायक और आज पाटन की जनता ने मुख्यमंत्री चुन के दिया, तमाम जनता के बीच आप पहुँच रहे हैं। पाटन की जनता का मैं आभार जितना भी करूँ वो कम है, क्योंकि इस चुनाव में मैं किसी मतदाता के पास नहीं पहुँच पाया था, बहुत कम समय दिया था, फिर भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया। इस चुनाव को उन्होंने खुद लड़ाई लड़ा है, तो उसके प्रति जितने भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूं, जितना भी धन्यवाद दूं, वो कम है या धन्यवाद जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। नायक फिल्म चल रही है, लोगों का ये कहना है रोज कुछ ना कुछ नया डिसीजन, कल 43 IAS के तबादले ताबड़तोड़, क्या एक्सपेक्टेशन है और सर आगे? प्रशासनिक कसावट तो लानी पड़ेगी और उसके लिए कुछ नयापन होना चाहिए, नई जिम्मेदारी के साथ नए ढंग से सब काम करेंगे।